नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो, इस वीडियो में देखना है डेफिनेशन ऑफ राउंडनेस, सर्कुलरिटी। उसके बाद राउंडनेस अगर आपको मेजर करना है तो वो कैसे मेजर करना है, उसका सेंटर्स जो रहते हैं, बिटवीन सेंटर पकड़ा तो जॉब कैसे मेजर करते हैं, या वी पीस पे पकड़ा तो कैसे उसको राउंडनेस मेजर करते हैं, और उसके साथ रनआउट भी देखना है। इतने सारे पॉइंट्स आज के वीडियो में कवर करने हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक भी कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहली बात आती है राउंडनेस की। जो सर्कुलर पार्ट्स होते हैं या कोनिकल पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, ये राउंडनेस का कंसेप्ट आता है। जैसे राउंडनेस का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। अ कंडीशन ऑफ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन लाइक सिलेंडर और कोन और स्पेयर, वेयर ऑल पॉइंट्स ऑफ सरफेस इंटरसेक्टेड बाय एनी प्लेन परपेंडिकुलर टू कॉमन एक्सिस इन केस ऑफ सिलेंडर एंड कोन आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस और सेंटर। इसको अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसमें आपको क्या करता हूँ, मैंने डायग्राम में इसको कन्वर्ट किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये सर्कुलर पार्ट है, इसका ये साइड व्यू है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक इसको प्लेन डाला। कंसिडर करो ये आपका जॉब था, आपका ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, और मैंने इसको क्या किया, एक परपेंडिकुलर प्लेन डाला। ऐसे प्लेन डाला कि इसका जो एक्सिस रहेगा, इसके एक्सिस को ये एक प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है। तब क्या होता है, ये जो आपका एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर ये जो प्लेन के ऊपर पॉइंट्स रहेंगे आपके, जो प्लेन ने आपको कट किया है परपेंडिकुलर, वो पॉइंट्स क्या होने चाहिए, ये एक्सिस के ये पॉइंट क्या होने, इक्विडिस्टेंस होने चाहिए। ऐसे डेफिनेशन का कहना है एक सिंपल भाषा में, ठीक। फिर उसके बाद आया सर्कुलरिटी। सर्कुलरिटी मतलब क्या, कि टू डायमेंशनल जियोमेट्रिक टॉलरेंस दैट कंट्रोल हाउ मच ए फीचर कैन डेविएट फ्रॉम ए परफेक्ट सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलरिटी। कैसा है, अभी देखो कि यह आपका आइडियल सर्कल है, कि सर्कल ऐसे होना चाहिए। जब आप कोई भी सर्कुलर पार्ट मैन्युफैक्चर करते हो तो वो ऐसे होना चाहिए, लेकिन कुछ आपके जो प्रोसेस पैरामीटर होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, वो परफेक्ट सर्कल नहीं होता है। तो वो कैसे होता है, ठीक है, अभी ये जो दूसरे कलर से ड्रॉ किया वो आपका एक्चुअल मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है। तो उसमें क्या हुआ कि आपके परफेक्ट सर्कल से जो पार्ट आपका डिवेट हो गया है, उसको क्या कहते हैं, सर्कुलरिटी कहते हैं, ठीक। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ राउंडनेस। आपको अगर एक पार्ट है उसका आपको क्या करना है, सिलेंड्रिकल पार्ट है और उसको आपको राउंडनेस चेक करना है, तो कैसे चेक करना है, देखो एक तो आप क्या कर सकते हो, उसको वी ब्लॉक पे रख सकते हो। अगर आप टूल रूम में काम कर रहे हो और आपके पास बिटवीन सेंटर पकड़ने का कोई चांस नहीं है जॉब पकड़ने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसको वी ब्लॉक के ऊपर रखो, फिर उसके ऊपर डायल इंडिकेटर रखो, और फिर उसको रोटेट करके आप उसका राउंडनेस मेजर कर सकते हो। नहीं तो क्या करना है कि बिटवीन सेंटर पकड़ो उसको। बिटवीन सेंटर पकड़ने के लिए आपको लेथ के हेड स्टॉक और टेल स्टॉक में दोनों की तरफ क्या करना पड़ेगा, आपको सेंटर डालना पड़ेगा। फिर सेंट्रल डाल के क्या करना है, आपको वर्कपीस रखना है। वर्कपीस रख के डायल इंडिकेटर रखो एक जगह पे, उसको प्रेशर वगैरह अप्लाई करो, और फिर क्या करो, पार्ट को रोटेट करो। रोटेट करने के बाद क्या होगा, आपको उसका राउंडनेस कैसा है वो पता चलेगा। लेकिन ये राउंडनेस किस किस चीज़ पे डिपेंड है वो करता है वो मैं बोलता हूँ। पहला, आपका जो बिटवीन सेंटर पकड़ा है, जो सेंटर से आपके, उसका एंगल करेक्ट है क्या, उसके ऊपर भी डिपेंड है। लेकिन उसके बाद ये जो एंगल का ये जो सरफेस है, ये सरफेस कैसे है, ठीक है, मतलब इसके आपका जो जॉब है, आपके जॉब के अंदर ऐसा पोर्शन है, ठीक है, आपका जॉब का अंदर का पोर्शन ओके है, लेकिन आपका जो सेंटर है, सेंटर के अगर ये सेंटर के कुछ फॉल्ट है यहाँ पे, तो भी आपका राउंडनेस में डिफरेंस आता है। उसके बाद आपका ये जो सर्कुलर पार्ट है, इसका जो अपर सरफेस है वो स्ट्रेट है क्या, उसके ऊपर भी वो आता है, नहीं तो फिर पार्ट कैसा ऐसे डबलिंग इफेक्ट आता है उसको, वो ऐसे लगता है कि दो इसमें ऐसे वो रोटेट हो रहा है, उसको डबलिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये सारे पैरामीटर पे क्या होता है, आपका राउंडनेस डिपेंड होता है। फिर उसके बाद आता है सर्कुलरिटी की, इसकी बात आती है रनआउट की। आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, यहाँ पे रनआउट का डायग्राम ड्रॉ किया है। आप देख सकते हो एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसका ये फिक्स एक्सिस है, फिर ये रोटेशनल एक्सिस है उसका। जब कोई भी एक आधा सर्कुलर पार्ट रोटेट होता है तो वो क्या होना चाहिए, उसका एक ही सेंटर रहना चाहिए, अराउंड वन सेंटर वो क्या होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अगर आपके जॉब का रनआउट ओके नहीं है, मतलब क्या है, वो एक सेंटर छोड़ के, उसका ओरिजिनल सेंटर छोड़ के वो क्या करता है, एक दूसरा उसका सेंटर बनाता है, और वो सेंटर के अगेंस्ट वो क्या करता है, रोटेट करता है। तो फिर आपको उसको क्या कहते हो, रनआउट कहते हो। रनआउट का डेफिनेशन इस तरह से, इट इज़ रिलेटेड टू रनिंग ऑफ जॉब।
द जॉब मे बी रोटेटिंग विथ सम अनदर सेंटर दैन इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर. उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होना चाहिए उसकी वजह पे वो क्या कर रहा है, एक दूसरा सेंटर बना के उसको घूम रहा है. उसको क्या कहते हैं, रनआउट कहते हैं. ये सारे पैरामीटर सर्कुलरिटी, राउंडनेस, रनआउट, ये आपके जो इंजन पार्ट्स होते हैं रोटेटिंग, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है. ठीक है, थैंक यू.